इस वीडियो को देखकर ना सारे के सारे इंडियन शॉक हो जाएंगे, सारे के सारे कोरियन शॉक हो जाएंगे कि उस रेसिस्ट कोरियन यूट्यूबर ने ना वो रेसिस्ट वीडियो जो इंडिया के अगेंस्ट थी, वो कोरियन यूट्यूबर ना शॉक हो गए कैसे इंडियन यूजर जो है उनके वीडियो में, उनके रेसिस्ट वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई भारत माता की जय। कहाँ है वो इंडियन यूट्यूबर जो कोरिया में रहते हैं लेकिन कभी भी इंडिया के लिए आवाज़ नहीं उठाते? माँ कसम, मैंने कभी भी इतना नकली वीडियो, इतना रेसिस्ट वीडियो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। हे गाइस, वो सब क्या हैं आप लोगों के? गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ दिन टशन है, रात टशन है, अपनी तो हर बात टशन है, और इसी बात के मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को देख के आप लोगों को, पूरे इंडियंस जितने भी पूरी दुनिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, सबको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही खुशी होगी। और इस वीडियो को देख के आप रियलाइज़ कर लोगे कि मैं तारीफ़ करूँगा अपनी खुद थोड़ी सी, लेकिन तारीफ़ की बात भी है, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना जरूर, पूरा एंड तक देखना, शेयर जरूर करना। हमेशा नेगेटिव चीज़ें जो शेयर होती है, पॉजिटिव चीज़ें जो शेयर नहीं हो पाती, तो इस वीडियो को शेयर करना जरूर आपके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अगर हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊँगा, जस्ट वेट। एनीवेज गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाँ भाई, कुछ कोरियन यूट्यूबर्स, दो कोरियन यूट्यूबर्स थे, वो इंडिया में आए और इंडिया के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे थे, कि इंडिया में ऐसे धोते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इंडिया में गंदगी है, इंडियन लोगों के दांत जो है काले होते हैं, इंडियन जो है ट्रेन की पट्टी पे ही अपना शौचालय कर लेते हैं, शौच कर लेते हैं, हकते हैं, मूतते हैं ट्रेन की पट्टी पे ही, सारे के सारे गरीब होते हैं और सारे के सारे जो होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा जो कि मैंने बहुत रिसेंटली डाला था। इस वीडियो को देख के ना बहुत लोग गुस्सा हो गए थे, बहुत लोग मेरे को बहुत कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला था, और उस लिंक में भाई हम सारे इंडियंस ने बहुत कमेंट किए थे और बहुत ही अपना गुस्सा जाहिर किया था। बहुत ही अच्छे कमेंट भी थे, बहुत ही सेंसिबल कमेंट भी थे, और बहुत ही इलॉजिकल कमेंट्स भी थे, नो डाउट। लेकिन मुझे एक कमेंट आया था मेरे वीडियो में कि भाई, जब मैंने इस वीडियो में कहा था कहीं ना कहीं कि यार इस बंदे के ना 1 मिलियन के आसपास व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे बस 30,000, अगर यहीं मेरे 1 मिलियन होते ना तो मैं इस बंदे को बहुत करारा जवाब देता। ये कमेंट आया था मेरे को, और उसने कहा था ये तो बहुत ही अच्छा आपका स्ट्रेटेजी है सब्सक्राइबर्स बटोरने की, सब्सक्राइबर्स लाने की। तो मैंने उसको कहा था कि भाई, ये जो 12-14 मिनट का वीडियो है ना, ये मेरा रिप्लाई है उस बंदे को, उन कोरियंस को, कि भाई हमसे मत लो पंगा, हमसे जो पंगा लेता है वो परेशान हो जाता है। मैंने ये बोला था उस बंदे को। एनीवेज, इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि उन दो कोरियन यूट्यूबर्स ने वो वीडियो जो है वो वीडियो डिलीट कर दिया। और नॉट ओनली दैट वीडियो, ये दो सीरीज़ में, दो पार्ट में ये वीडियो बनाया गया था, दोनों जो वीडियो हैं या तो प्राइवेट कर ली या फिर डिलीट कर दिया। और मैं इसलिए कहता, दिन टशन है, रात टशन है, अपनी तो हर बात टशन है। गाइस, समझ रहे हो आप, उस कोरियन यूट्यूबर्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और मेरे इंडियन के 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मेरे अंदर जो जिगड़ा है ना वो मिलियंस वालों से कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही होगा। मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया, और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने उस वीडियो में कहा था कि इमेजिन सारे के सारे कोरियन जो कि 5-6 करोड़ लोग हैं, वो सारे के सारे वो अगर वीडियो देखेंगे, जिससे 10 लाख लोगों ने देखा था वीडियो, तो वो क्या सोचेंगे इंडिया के बारे में कि कितनी गंदगी है। उस वीडियो में कमेंट्स भी ऐसे ही थे कि यार हम कभी इंडिया गए नहीं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हमें लग रहा कि इंडिया बहुत ही वाहियात कंट्री होगी, बहुत ही गंदी कंट्री होगी, और तरह तरह की ऐसी डिजीज़ होंगी इंडिया में, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। उसमें मैंने कहा था कि यार इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है, ये यूट्यूबर्स जो हैं जिन्होंने एक स्पेशली इंडिया को टारगेट करके, इंडियन लोगों को टारगेट करके ये वीडियो बनाया था, उनकी गलती थी। गाइस, वीडियो डिलीट हो गया। और मैं ये क्वेश्चन अब अपने इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं जो कोरिया में रहते हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं करते। सबके सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इंडियंस यूट्यूबर जो कोरिया में, सबके प्रोफाइल देख लेना, सबके वीडियो में, सबके यूट्यूब में कोई ना कोई होगा रेसिज्म इन कोरिया, हमारे साथ कोई बैठता नहीं है, हमारे साथ रेसिज्म दिखाते हैं, बस ये वीडियो डाल देते हैं लोग व्यूज़ के लिए डालते हैं, नो डाउट व्यूज़ के लिए डालते हैं, और उसके बाद वो भूल जाता है कि हाँ भाई अब व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर्स आ गए, अब चलो अब दिखाते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज कोरिया। वहाँ पे वो रेसिज्म वाला भूल जाते हैं। लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मुझे अगर एक चीज़ समझ में आ गई, एक चीज़ अगर मैंने पकड़ ली, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। अभी कुछ नए लोग भी आए हैं, पुराने लोगों को पता होगा नो डाउट, भाई मैं वही बंदा हूँ जिसने क्लब के लिए आवाज़ उठाई थी, और उस क्लब ने जो है ना
मैंने मतलब मैं एम्बेसी में भी गया था, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि यहाँ पे इंडियन मैन एंड पाकिस्तानी मैन नॉट अलाउड इन आर क्लब, ऐसे करके लिखा था। मैं वही बंदा था जिसने वो वीडियो बनाया था, मैंने अपनी राय दी थी और उस क्लब ने वो वोट हटा लिया था। तब मेरे सब्सक्राइबर्स थे 12,000 और यही नहीं, उससे भी पहले ही जाएंगे ना। तो भाई जब कश्मीर का दिखाया था हुंदे ने कि हाँ भाई कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया था, मैं हुंदे के शोरूम में जाके मैंने फुल ऑन प्रोटेस्ट किया था। मैंने अकेले ने, कोई नहीं था, कैमरामैन भी मैं ही था, प्रोटेस्ट करने वाला भी मैं ही था, एडिटर भी मैं ही था और म्यूज़िक डालने वाला भी मैं था और बोलने वाला भी मैं ही था। बट यही काफ़ी नहीं है, 12,000 उस टाइम जब मैंने हुंदे वाला किया था ना, मेरे हिसाब से 1,000 या 500 या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स थे मेरे हिसाब से। फिर उसका क्लब हुआ, उसके बाद अब मैंने ये, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया, ये हम सब ने मिल के किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि वो लोग जो है ना, मतलब उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनको तो मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, उनको क्या टेंशन है। लेकिन इसका जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे भी अभी जो देख रहे होंगे, वो सोचेंगे कि यार ये बंदा ना मतलब गलत दिखा रहा है, फिर से कोरिया के बारे में गलत बोल रहा है। मैं बिल्कुल कहीं कोरिया के बारे में गलत नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वीडियो रहता और आप लोग कोरिया में पढ़ने के लिए आते कभी ना कभी ज़िंदगी में या फिर घूमने के लिए आते, और वो वीडियो देख के लोग क्या सोचते आपके बारे में, और जब आप यहाँ पे आते तो आपके आपको कैसा ट्रीट किया जाता, इमेजिन। तो ये जो जीत है ना, ये हार मेरी जीत है, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की जीत है। और कैसे उन्होंने साइलेंटली डिलीट कर दिया, मतलब मैं आपको अपने पूरा वीक बता देता हूँ, पूरा वीक का रिकैप दे देता हूँ। मैं इंटरनेशनल बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था, आपने वीडियो देखा होगा मेरा कि हाँ भाई बॉलीवुड मूवी और कोरियंस जो है बहुत हंस रहे थे, है ठाके लगा रहे थे, उनको सच में पसंद भी आई थी वो मूवी। तो उसी बीच में ना मैंने कमेंट चेक करा, उसमें लिखा था कि दिस पर्सन हैज़ मेड दिस वीडियो प्राइवेट। तो भाई मैं शॉक हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया भाई, अगले बंदे ने क्या हुआ। फिर देखा तो भाई मैंने उस बंदे की प्रोफाइल देखी यूट्यूब, और दोनों के दोनों जो वीडियो थे वो उसने या तो डिलीट कर दिए या फिर प्राइवेट कर दिए। और लिटरली आई वॉज लाइक ये क्या हुआ, लिटरली बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ आप कुछ इनिशिएटिव उठाते हो, आप कोई एक वीडियो बनाते हो, अपनी आवाज़ देते हो, और हम सारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हो जिन्होंने वो वीडियो देखा था, चाहे उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, हम सब ने आवाज़ उठाई थी कि ये वीडियो बहुत ही रेसिस्ट नेचर था, बहुत ही गंदा इन नेचर था, मतलब इंडिया को फालतू का टारगेट करने वाला वीडियो था। बट वहीं मुझे कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि यार ये चीज़ें तो हमारी कंट्री में हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये चीज़ें तो हमारी कंट्री में हैं, सही तो बोल रहे हैं वो कोरियंस, ये चीज़ें तो हमारी कंट्री में है। कुछ ने शायद जाके उस वीडियो में कमेंट पे लिख दिया था ओप्पा यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, मतलब वो इंडियन ही थे, यू आर डूइंग वेरी नाइस, जो भी आपने कहा आप बहुत सही बोल रहे हैं, आई एम सॉरी कि आपको इतनी प्रॉब्लम हुई इंडिया में, इतनी ज़्यादा अपोलोजेटिक वो मतलब कमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा था कि यार रोना आ जाएगा कि यार क्या मतलब क्या चल रहा है ये। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ऑफकोर्स इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने जो बोला ना वो बहुत हद तक हो सकती हैं, बट उन्होंने एक चीज़ ये बोली थी कि अनएजुकेटेड हैं सारे के सारे, वो तो आपको भी पता नहीं है, ठीक है, दांत सबके काले होते हैं ये तो आपको भी पता नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हाँ भाई सारे के सारे गरीब हैं ये तो आपको भी पता नहीं है, सारे लोग पट्टी पर हंकते हैं, जरूर हंकते हैं, लेकिन सारे के सारे तो नहीं हंकते ना, ये तो आपको भी पता है। लेकिन ये पॉइंट नहीं कि उन्होंने ये बात बोली, क्रिटिसाइज़ करा, सब कह रहे थे कि यार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ना हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ यू, ठीक है। वो जो हंस रहे थे ना, वो जो ऐसे करके वो ऐसे कर रहा था कि हाँ भाई इंडियन जो है अपनी धोते ऐसे धोते हैं, उल्टे हाथ से धोते हैं और राइट हैंड से उनके उल्टे हाथ के जो नाखून होते हैं वो गंदे होते हैं, काले होते हैं नाखून, देख लेना क्योंकि उनमें लगी होती है, मतलब यू नो टट्टी लगी होती है। टू बी ऑनेस्ट मैं क्या ही शर्माऊँ इसमें, अब तो जो है वो सब खुला है, अब तो मैं कोई शर्माऊंगा नहीं कभी ज़िंदगी में। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि हाँ भी सबकी टट्टी लगी होती है तो अपने हाथ चेक कर लेना नाखून, जो ये कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो नाखून चेक कर लेना, लगी हुई है क्या टट्टी तुम्हारे। गाइज आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करा, थोड़ा सा ज़्यादा ही अग्रेसिव होकर बोल रहा हूँ, लेकिन अब से मैं ऐसे ही बोला करूँगा, अब से कोई शर्म लिहाज कोई कुछ नहीं है, जो प्यार देगा उसको प्यार करेंगे, जो नहीं प्यार देगा उसको बहुत गंदे तरीके से बात करेंगे, इतने गंदे तरीके से बात करेंगे वो 4 दिन ना सो पाए। अब बात है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, तो गाइस मजाक उड़ा रहे थे वो लोग, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ करते ना बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनफैक्ट मैं खुद ही कर देता हूँ क्रिटिसाइज़ किया, ये इंडिया में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, मजाक घुसले उड़ा रहे थे, क्योंकि अब मैंने अच्छे से वो वीडियो देखा ना कि
वो शायद कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को ना बुला रहे थे कि हाँ भाई हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये बुक खरीदो या फिर हमसे सीखो कैसे कंटेंट बनाना है और तुम जो है ना फेमस यूट्यूबर बन जाओगे। और उसमें वो सब्जेक्ट चला था उन्होंने इंडिया का, गंदगी का। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वहाँ होता है जब आप सच में मतलब आप टेंशन में हो कि यार ये इस कंट्री में गलत हो रहा है, और एक आप राय दो कि यार ये देखो देखो ये इस चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, और ऐसे करके ये चीज़ जो है उसका सलूशन निकल सकता है। ये नहीं कि हाँ भाई इंडियन जो ऐसे ऐसे धोते हैं अपनी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, जैकेट निकाल लेता हूँ। लेकिन गाइस पॉइंट समझ गए ना आप, ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि जब भी कुछ गलत होता है मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब भी कुछ अच्छा होता है, जो भी सही किया जाता है, जैसे कुछ लोगों ने अपनी गलती को सही करने की कोशिश की थी, तो उसको भी मैं वीडियो बना के बता देता हूँ कि भाई जो हमने एक बनाया था ना, कि हमने वीडियो बनाया था उसका रिजल्ट आ गया। जब मैंने क्लब की वीडियो बनाई थी कि हाँ भाई क्लब, हमने क्लब में अलाउ नहीं किया, तो बहुत लोगों ने, हमारे बहुत यूट्यूबर्स ने जो है ना वीडियो को बहुत ही प्रमोट करा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी को तो 22-25 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, बहुत सारे लोगों ने मेरा कंटेंट कॉपी करा और बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसने भी ये नहीं दिखाया, कुछ दो महीने बाद ही मैंने फिर से उस क्लब में, मैं फिर उस क्लब के बाहर गया था और उन्होंने मुझसे सॉरी बोला था कि यार हमसे गलती हो गई और हमने वो बोर्ड हटा दिया। ये किसने नहीं दिखाया? तो कभी भी नहीं दिखाया जाता, कभी भी। मतलब ये हो जाता है, फिर हम इंडियन लोग ही कर लेते हैं, हम इंडियन यूट्यूबर्स ही कर लेते हैं कि हाँ भाई इंडिया की बेइज्जती हुई तो दिखा दो, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ भाई इंडियंस को ना अलाउ नहीं कर रहा ऐसे क्लब में, ठीक है। लेकिन हमने जो पावर दिखाई अपनी, और अपनी पावर दिखाते हुए वो क्लब का बोर्ड हटवा दिया, वो नहीं दिखाते। अब लोगों को पता नहीं चलेगा पूरी दुनिया को कि हाँ भाई इंडियंस ने इतनी अपनी पावर दिखा दी कि इंडिया में बैठे बैठे कोरिया का बोर्ड हटवा दिया, ये कोई नहीं दिखाता। तो लोग क्या सोचेंगे, इंडियंस मतलब हम सुनते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं अपनी कंट्री के लिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करना, एटलीस्ट जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी थी उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, एटलीस्ट इतना शेयर कर देना। एनीवेज गाइस, अगर आपको ऐसी कुछ और भी वीडियोज़ दिखते हैं तो आप मुझे भेज सकते हो। हमने दो बार वीडियो बनाई है, जब मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स थे, जब मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, और दोनों बार सामने वाला झुका है हमारे सामने। एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना। वैसे तो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन हाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि हाँ भाई ऐसा एक डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट हुआ है उस वीडियो से रिलेटेड। तो हम फिर से मिलेंगे गाइस, बहुत अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, उसमें मैं कोरियन से पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई क्या आप मोदी जी को जानते हो, डू यू नो मोदी और आमिर खान। लेट्स सी कि कोरियंस क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू। जय हिंद।